को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे, लेकिन इसके पहले विपक्ष एक के बाद एक मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहा है। शुरुआती तीन दिन में दो बार तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ही स्थगन प्रस्ताव लाया गया। वहीं 28 फरवरी तक बीजेपी इसी तरह अन्य मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर आती रहेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सदन में तो हंगामा होता रहेगा। वैसे सदन में बुधवार को शराब के मुद्दे को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी विधायक वॉकआउट कर गए। खैर, आज का मुद्दा है सिस्टम पर सियासत, इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक है। इतना ही नहीं, 22 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के शुरुआत तीन दिन में भी विपक्ष बेहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे को अलग अलग तरीके से उठाकर स्थगन प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन ये और बात है कि स्थगन पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि विपक्ष का कहना है कि वो शांत बैठने वाला नहीं है। महिलाओं के साथ में जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, वो शर्मनाक घटनाएं हैं और उसके ऊपर में सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आग्रह किया, परंतु माननीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध में इसका बहिर्गमन किया है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो रहे अनाचार अत्याचार बलात्कार का मुद्दा हो, इसकी सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजनीति की अगर बात करें तो आधी आबादी महिलाएं, किसी भी चीज से हट के आप उनके विकास की बात नहीं कर सकते हो, उनको छोड़ के आप राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है कि महिलाओं की बात आई, उनके आत्मसम्मान की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सड़क पे आएगी। बीजेपी विधायक दल ने ये रणनीति तैयार कर रखी है कि विपक्ष 28 फरवरी तक रोजाना किसी एक विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था तो अब सुधरी है, बीजेपी के 15 साल के शासन में कानून व्यवस्था बेहद लचर थी। इतना ही नहीं, विपक्ष को आईना दिखाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक सदन में जिरम घाटी के साथ ही बीजेपी के 15 साल के शासनकाल के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों के मामले का भी जिक्र कर रहे हैं। वो अपने 15 साल के कार्यकाल में बता दे कि अपराधी कितने समय में गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारी पुलिस की संवेदनशीलता और सक्रियता का परिणाम है कि घटना हुआ 24 घंटे से 3 दिन में ये तमाम गिरफ्तारियां हुई। एक उनको जानकारी दी गई कि आप 15 साल से बैठे थे, अब आपके रहते आपने कौन सी सुरक्षा प्रदान की जो इतना बड़ा घटना हुआ, ये वहाँ की बात थी, उसमें कोई तुलना की बात नहीं थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 15 सालों में कानून व्यवस्था बद से बदतर थी। विधानसभा के आंकड़े बताते हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 50,000 हत्या बलात्कार लूट डकैती के प्रकरण दर्ज हुए थे। विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में उत्तर दिया था, हमारी सरकार जो भी घटनाएं घटती उस पर तत्काल कार्यवाही करती है और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। विपक्ष छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को बेहाल बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं पहले लचर थी जो अब सुधरी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कानून में कसावट आ गई है तो अब भी हत्या लूट बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही है। खैर, बजट सत्र में विपक्ष ने जिस तरह से हर मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की जो योजना बनाई है, क्या इससे उसे कोई फायदा मिलेगा? बीजेपी के प्रदेश में अपने खोए जनाधार को फिर हासिल कर सकेगी? सवाल ये भी है कि विपक्ष के हल्ला बोल से क्या सिस्टम दुरुस्त होगा या सिर्फ सियासी बवाल होता रहेगा, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। सिस्टम पर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला और बीजेपी प्रवक्ता सचिदानंद शुक्ला उपासने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भोपाल स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि मामला विपक्ष का ज्यादा लहा नजर आ रहा है, खासा हंगामा विधानसभा में हो रहा है, तो उपासने जी आप ही से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं और क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और ये जो स्थगन की रणनीति है
वो किस स्ट्रेटेजी के तहत, ऐसा लगता है देखिए एक तारीख को जो है बजट पेश होगा उसके पहले आप लोग की कोई ऐसी योजना है कि लगातार सरकार पर प्रेशर बनाकर रखा जाए, इसलिए आप रोज एक नए मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन परेशानी हमको नहीं है जी, परेशानी इस प्रदेश की जनता को, इस सरकार से, प्रदेश की नारी शक्ति को परेशानी है, इस सरकार के कानून व्यवस्था से जी परेशानी है, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को, इस सरकार की कानून व्यवस्था, अंग्रेजी गुटों से, कृत्यों से परेशानी, इस प्रदेश के मीडिया के कर्मचारियों को, इस प्रदेश के सच्चाई को बताने पर, सड़कों पर कांग्रेसी गुंडों के द्वारा पीटे जाने पर, ये सारी परेशानियां यदि हैं तो प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका इसलिए दी है कि हम सरकार के उन दुष्कृत्यों का, सरकार के उस मनमानीपूर्ण रवैये का, सरकार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का जी। जो आज देश का पांचवा छठवें नंबर पर यदि कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश जा रहा है छत्तीसगढ़ जी। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और उसके बाद केवल ये कह देना कि 15 साल में ये हुआ हुआ, अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए आप केंद्र पर आरोप मार दें, 15 साल पर आरोप मार दें, लेकिन आप जिस प्रकार की कानून व्यवस्था इस प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं, जिस प्रकार की सुरक्षा इस प्रदेश के नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं, उसको कटघरे में खड़ा करना, सड़क की लड़ाई लड़ना, और उसको संसद से सड़क से संसद तक, सदन तक ले जाना, ये विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य का निर्वहन विधानसभा में कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो अपने दुष्कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए वहां बोलने नहीं दिया जाता नेता प्रतिपक्ष को, उनकी जुबान बंद कर दी जाती है, और वो एक लोकतांत्रिक अधिकार से भी उनको बाद रोक दिया जाता है, उसके बाद माफी मांगी जाती है, किस प्रकार की विधानसभा चलाना चाहते हैं, इस बातों को लेकर यदि स्थगन प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा करने के लिए, ये मुद्दे आखिर ज्वलंत मुद्दे हैं, ये कानून व्यवस्था, महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, ये व्यवस्था मुख्यमंत्री के स्वयं के क्षेत्र में पूरे परिवार की आत्महत्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, आज तक उससे हत्यारे नहीं गिरफ्तार किए जाते हैं, गृह मंत्री के क्षेत्र में हत्याएं हो जाती है, वो हत्यारे नहीं गिरफ्तार होते हैं, सरेआम महिलाओं पर जैसे बलात्कार होते हैं वो बलात्कारी गिरफ्तार नहीं होते हैं, इस प्रकार से सारा जो है एक ही लड़की का लगातार बलात्कार होता है उसके माता पिता के सामने, लेकिन वो बलात्कारी आज तक गिरफ्तार नहीं होता है, बच्ची को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जबकि वो थाने में पहले से रिपोर्ट दर्ज करा चुकी होती है जब इस प्रकार की घटना उसके साथ होती है। कोरबा में घेमरू जो स्थान है वहां पर लगातार जिस माँ पिता के सामने हत्या होती है, अनेक ऐसे उदाहरण है, कोंडा गांव का उदाहरण है, कांकेर का उदाहरण है, आपके भिलाई दुर्ग का उदाहरण है, रायपुर के उदाहरण है, इस प्रकार से नारी शक्ति सड़कों पर आ रही है, बावजूद उसके इस सरकार के द्वारा गैर जिम्मेदाराना उस पर चर्चा न करना, कम से कम चर्चा करके आप उस बात को तो कह सकते हैं कि भाई इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने वाले हैं या कोई आपने प्लान बनाया है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा विधानसभा में, मंत्री तैयारी कर नहीं आ रहे हैं, आप देखेंगे अधिकांश प्रश्नों का जब माननीय बृजमोहन जी ने प्रश्न पूछा धान खरीदी के मामले में, उस मंत्री जी के पास जवाब नहीं है, जवाब ये देते हैं कि वो राजस्व विभाग देगा, वो जवाब कृषि विभाग देगा, अरे तो काहे के लिए आप मंत्री बने हैं जब इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, आप ये बता नहीं पा रहे हैं प्रश्नों का संतोषजनक रूप से बताओ, या हर मामले में इसी प्रकार से चर्चा से भाग रहे हैं, जवाब जो है गैर जिम्मेदाराना मंत्री दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर दिन उठाएगी, जब तक ये विधानसभा चलेगी और जब तक ये सरकार प्रश्न का उत्तर जवाब नहीं देगी तो जनता की आवाज को विधानसभा में हम निश्चित रूप से उठाएंगे, यदि वहां नहीं रोगे तो सड़क की लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, लेकिन उपासना जी आपकी सारी बातें सही लगती हैं, आपकी बातें जो है जायज मुद्दे लगते हैं, लेकिन ऐसा चूंकि सत्र जो है 26 मार्च तक चलने वाला है, एक साथ लगातार बमबारी करने से क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है सरकार को अंडर प्रेशर में लाना चाहते हैं, इन मसलों पर विधिवत तरीके से सूचना देकर जो है स्थगन प्रस्ताव काम रोको के जरिए चर्चा कराई जा सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं है जी, ये जनता की आवाज है, अभी शराब के मामले में जिस प्रकार से इस प्रदेश को धकेला जा रहा है जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार प्लेसमेंट कंपनी 5-5 करोड़ रुपए जमा नहीं करती लेकिन इस सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती, गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया जाता है, आखिर ये शराब ही पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में एक सहायक हो रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी बात को बोलेगी, जनता की आवाज को बुलंद करेगी, इसमें ये नहीं है कि हम क्यों इंतजार करें, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती जा रही है,
सवा दो वर्ष का समय बीत गया और आज जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। घर में ताला लगाकर लोग जा रहे हैं, घर लूटा जा रहा है, महिलाएं सड़कों पर जा रही, उनकी आबरू लूटी जा रही है। उपासना जी, उपासना जी, कहीं आपकी इस आक्रामकता के पीछे जो राजनीतिक पराभव हुआ है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, वो कारण तो नहीं है? देखिए, आप उपचुनाव में शिकस्त खाए, स्थानीय निकाय चुनाव में शिकस्त खाए, अब आपको कहीं अपनी जमीन पॉलिटिकल खिसकती हुई तो नजर नहीं आ रही? देखिए, हम वो लोग नहीं है जो किसी के बैसाखी सहारे चले। केंद्र में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ, जो उनको किसानों की बैसाखी चाहिए, उनको वहां दिल्ली में बैठे हुए सीए वालों की बैसाखी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है, तो अपने छोटे से विपक्ष के लेकर हमने सड़क की हम दोस्त है, आज देश में 306 हुए हैं, ये इसी संघर्ष की बदौलत हुए हैं। हम कोई किसी के बैसाखी पर पलने वाले लोग नहीं है। हमारी विपक्ष की भूमिका हमारे खून में है, हम उस विपक्ष की भूमिका को धारदार तरीके से और निभाते हैं, और उसके बाद हम उसी विपक्ष की भूमिका से जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। विपक्ष की भूमिका पर सवाल पूछने के लिए रामावतार तिवारी जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो राजनीतिक विश्लेषक अवधेश भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और दरअसल ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है, ये मध्यप्रदेश की विधानसभा का मसला है। भार्गव जी, स्थगन प्रस्ताव यानी काम रोकने के बाद चर्चा, इसके लिए क्या विधिवत किया जाना चाहिए, और आखिर विपक्ष जो जायज मांग उठा रहा है तो उस पर सदन में क्यों नहीं चर्चा कराई जा रही है? देखिए, ऐसा है जी, राजनीति में सबको अपनी बात कहने का और जनप्रतिनिधियों की बात रखने का अधिकार है जी। सदन में अगर आपको स्थगन प्रस्ताव लाना है और उस पर चर्चा कराना है, काम रोक करके अति आवश्यक मुद्दों पर ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और सारे काम रोक करके उस पर चर्चा कराई जाती है, लेकिन उस पर चर्चा कराना या नहीं कराना ये अधिकार क्षेत्र है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष को कम से कम एक दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अगर विपक्ष चाहे, कोई ताजा मामला है और कोई बहुत गंभीर मामला है, तो उस दिन भी दे करके तत्काल स्थगन प्रस्ताव मंजूर करने की मांग कर सकता है, और विधानसभा अध्यक्ष अपने कक्ष में ले जाकर के चर्चा करके मामले की गंभीरता को समझ करके उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं और चर्चा करा सकते हैं। वैसे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से सत्ता पक्ष को कभी नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि उससे सारे तथ्य सामने आ जाते हैं और विपक्ष का जो अधिकार है कि वो काम रोक करके चर्चा कराए, वो मांगे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष कोई मजबूरी बता रहा है कि हमको आंकड़े इकट्ठा करने में या जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा, तो एक दो दिन मान लेना चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र यही कहता है। लेकिन आप जनता का इतना कीमती समय, यानी एक मिनट में 60 से 70 हजार रुपए एक प्रश्न का विधानसभा की कार्रवाई का जब खर्च आता है, और विपक्ष उसको गैर जिम्मेदारी तरीके से स्थगन प्रस्ताव मंजूर, आप अपनी मांग उठाए उनको बताएं। बिल्कुल मिला के अध्यक्ष का अधिकार है, अध्यक्ष का अधिकार है चर्चा कराए या ना कराए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद जी भी जुड़ गए हैं। सुशील आनंद जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तिवारी जी, आपके पास आऊंगा, आप चूंकि सुशील आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए तो उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। आनंद जी, आखिर क्या दिक्कतें हैं? अभी आप चर्चा में शामिल नहीं हुए थे, जो है बीजेपी प्रवक्ता उपासनी जी ने हमको काफी कुछ गंभीर मसले बताए, और खासकर कानून व्यवस्था से जुड़े तो वाकई बड़े गंभीर मसले उन्होंने बताए हैं। आखिर क्यों नहीं स्थगन के जरिए चर्चा कराई जा रही? और जैसा कि अभी अवधेश भार्गव जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यह साफ कहना है कि अगर आप विधानसभा तैयार नहीं है तो कुछ दिन का समय दे के उसको तिथि तय करके चर्चा कराई जा सकती है। आखिर क्या मजबूरियां हैं? बदल के बाहर जिनके द्वारा प्रदेश में आपराधिक घटनाएं पहले के आरोप लगा रहे हैं, और सदन के लिए सदन प्रस्ताव पर चर्चा करवाने में सदन को लेना, माननीय सभापति को लेना, माननीय अध्यक्ष जी को लेना, लेकिन जाट मंत्रणा समिति की जो बैठक है उन जितना नेता पद पर उपस्थित करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहते हैं, सदन के नेता रहते हैं, उस समय तो उस समय तो इस संबंध में चर्चा करने की बात है, कोई भी सदन की जानकारी नहीं मिली है। अचानक उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी सर जाकर नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी सदन का कीमती समय लगातार दो दिन तक बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं। तो आखिर मैं आपको बता दूं, बोलते हैं छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऐसी अधिनियम 2019 और 30 के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं,
अभी क्योंकि 20 और 21 के आंकड़े नहीं आए हैं, उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ, अब सारी की सारी सच्चाई दूध के समान, दूध और पानी के समान अलग हो जाएगी। जैसे 2019-20 में जो एनसीआर आपने आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में अत्याचार की कमी आई है, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में 58% की कमी आई है, संगठित अपराधों में 63% की कमी आई है, लूट और फिगर रखनी अपराधों में 70% की कमी आई है, और नक्सल घटनाओं में छत्तीसगढ़ में 47.26% की कमी आई है। और नक्सल घटनाओं के संबंध में माननीय गृह राज्य मंत्री ने जो उसके हिसाब से भी छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं जी शुक्ला जी, शुक्ला जी आपको रोकना चाहूंगा, इस बात का जवाब जो है उपासनी जी से लेंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे सुमखोर की पत्नी के साथ, जहाँ पे सुमखोर के जुड़े सरकार के दीदी के साथ लगातार बिल्कुल 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 यहाँ पे मंडल विधानसभा के साथ दुराचार की घटना हो जाती है, और कितने शुक्ला जी आपको रोकना चाहूंगा, शुक्ला जी आपको रोकना चाहूंगा, जी 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 आपसे चर्चा फिर होगी, लेकिन क्या हकीकत है, और चूंकि आपकी बातों से लगता है, उपासना जी की बातों से लगता है कि दोनों के पास जो है आरोप प्रत्यारोप और अपना पक्ष मजबूत रखने की कोई हथियारों की कोई कमी नहीं है, इस बात को बहुत बेहतर तरीके से हमें तिवारी जी बताएंगे। राम अवतार तिवारी जी क्या कहेंगे पिछले 3 दिन के जो विधानसभा सत्र हुआ, क्या लगता है आपको सत्ता पक्ष का परफॉर्मेंस और विपक्ष की आक्रामकता, क्या कहेंगे, क्या बीजेपी की जो शिकायतें हैं क्या वो सही है अपनी जगह पे? तिवारी जी, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जी, इस पंचायत से जनता को सार्थक न्याय मिलनी चाहिए, उस दिशा में अगर सार्थक बहस होगा बिल्कुल तो ज्यादा फायदेमंद है, शोरगुल हल्ला और अखबारों के सुर्खियों के दृष्टिकोण से अगर सत्र चलते रहा जी तो सरकारी पक्ष अपना काम करेगा और विपक्ष हल्ला गुल्ला करेगा जी, तो एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बिल्कुल सत्र की शुरुआत जो है सार्थक बहसों पे, इस बहस से ये संदेश जाना चाहिए कि वहां पर कहीं न कहीं जो कानून बनाने वाली संस्था है, नियम बनाने वाली संस्था है, वो कहीं न कहीं पर हमारे साथ न्याय करेगी, ये संदेश के साथ अगर संसद सत्र चलता है तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तिवारी जी, अपराध का बढ़ने का मामला है जी, जी। अपराध निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं, अपराध हो रहे हैं जी। अपराध के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, साइबर अपराध कर कई तरह के अपराध हो रहे हैं जी। इसकी रोकथाम के लिए जी। जैसे पुलिस को और सार्थक कदम उठानी होगी, ठोस कदम उठाने पड़ेगा, नियम कानून से कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे बाहर से आने वाले लोगों को, जो अपराधी ज्यादातर अपराधी बाहर से आ रहे अपराध कर भाग रहे हैं, उनको पकड़ ले रहे हैं, ये ठीक है, पकड़ने के अलावा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कैसा संदेश जाए कि यहाँ पर अपराधियों की खैर नहीं है, बिल्कुल तो जनता भोली भाली बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तिवारी जी आपको जो फायदा हो जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये विपक्ष की जो स्ट्रेटेजी है हर मुद्दे पर रोज एक मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाना, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए सत्र जो है वो विपक्ष का बड़ा हथियार है, बिल्कुल विपक्ष अपना काम करे होर गल्ला, मगर इसके जरिए वो जो सरकार की खामियां हैं बिल्कुल उस खामियों को उजागर करे, उजागर करने के लिए क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बड़े मुद्दे नहीं है, कोई बड़े विषय नहीं है, इसलिए आप 15 विधायक जो है एक साथ खड़ा होकर शोरगुल करके गर्भगृह में जाके सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जी। अब ध्यान आकर्षित कराने का एक बड़ा माध्यम जो है वो इस विपक्ष का लोकतंत्र में है, वो उसका उपयोग कर रही है, मगर क्या वो सार्थक बहसों में अगर कोई अच्छा योजना बना के निर्देश दे, क्योंकि वो 15 साल सरकार चलाए हैं, इनको 2 ही साल हुआ है, तो एक तरह से विपक्ष के पास बड़ा अनुभव है
डॉक्टर रमन सिंह है, ब्रिजमोहन अग्रवाल है, अजय चंद्राकर उन बड़े कदावर मंत्री हैं, उन मंत्रियों को इस तरह की घटनाओं के बाद इस तरह की कैसे रोकथाम हो सकता है? प्रदेश सभी का है, कोई कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। बिल्कुल, जो सरकारी धन है वो सभी का है, जनता के टैक्स के पैसे का है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका सही उपयोग किस तरह हो सकता है? क्या खामियां हैं नौकर साहब, क्या खामियां गलती कर रही हैं सरकार के मंत्री, क्या गलती कर रहे हैं, कहां पर त्रुटि हो रही है? अगर इस तरह से सार्थक बहस होगा तब ये बहस सार्थक बहस होगा तभी, यानी कि अगर ये बहस जाता है तो निरर्थक हो जाएगा। बिल्कुल उपासना जी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे बता रहे हैं कि सार्थक बहस हो तो कहीं ना कहीं सार्थक बहस का सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और साथ ही जैसा कि अभी सुशील आनंद शुक्ला जी ने, यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बताया है कि ग्राफ अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो अपराध कम हुए, क्या कहेंगे उपासना जी? देखिए भाई जी, यदि ये कहते हैं आंकड़े कम हो गए तो इसी को तो विधानसभा में बता देते हैं ना चर्चा करके जी। यदि वास्तव में आप सत्यता रखे हुए हैं, वैधानिकता आपके पास है, प्रमाणित तथ्य हैं, तो इसको आप तो विधानसभा में बताने से क्या जरूरत है? आप प्रवक्ता के नाते यहाँ बता रहे हैं कि आपके मंत्री वहां नहीं बता सकते? यही तो पूछ रहे हैं हम वहाँ पे आपको कि भाई आपका क्या, तो ये जो आज जो हम घटनाएं गिना रहे हैं कि पत्रकार सरे हम आपका सड़क पर पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधि पीटे जा रहे हैं, रेत के दलाल आपके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, शराब के दलाल आपके लोगों को मार रहे हैं, तो ये महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, ये कोई सारे अखबार रंगे हुए रोज आप अखबार उठाकर देख लीजिए, आपके मीडिया के चैनल रोज बता रहे हैं, तो ये तो ये भारतीय जनता पार्टी तो ये आप ही की आवाजों को वहां उलबुलंद कर रही है कि जो आप लोग जलन का जो आपके जागरूक पत्रकार उठाते हैं, जो आपके जागरूक मीडिया रोज उठा रहा है, उसी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज उठा रही है, तो इसका जवाब देने में क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं सार्थक बहस हो और उसमें आप बताएं कि आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं आज प्रदेश की जनता के लिए। क्या ऐसे ही कांग्रेस के गुंडे पीटते रहेंगे लोगों को? क्या ऐसे ही कांग्रेस के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारते रहेंगे? क्या ऐसे ही कांग्रेस के गुंडे सोशल मीडिया में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लिखेगा या कोई नागरिक लिखेगा उसके खिलाफ FIR करते रहेंगे, उनको पीटते रहेंगे? ये जो बातें हैं हम यही तो पूछ रहे हैं कि लोगों की आज आबरू खतरे में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हो जाती है सचिनंद जी, लड़की का 6-6 बार अपहरण हो जाता है, उपासना जी हत्या हो जाती है। उपासना जी आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल हम समझ गए आपकी बात, और इसका जवाब जो है कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी हमको देंगे। शुक्ला जी, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि उपासना जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास आंकड़े हैं कि ग्राफ घटा है तो आप सदन के पटल पर रख दीजिए। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्या परेशानी है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, जी जी जी
आपको जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश को बदनाम कर रही है जी 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 शुक्ला जी अब चूंकि हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से गहरी उनकी पकड़ है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नजरिए पर, क्या तिवारी जी आपको क्या लगता है, आपने दोनों पक्षों को सुना और कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है एक दूसरे पर आरोप लगाने में, पिछले 15 साल के बाद कांग्रेस सरकार का वनवास खत्म हुआ, बीजेपी कांग्रेस सरकार में आई जो है, और अब आपको क्या लगता है, सूबे में सरकार तो बदल गई लेकिन क्या लगता है, क्या कानून व्यवस्था में सुधार हो पाया, क्या जनता को राहत मिल पाई? देखिए सदन में तो हंगामा चल रहा है, सड़क पर भी चलता है, सरकार भी बदल गई लेकिन आम जनता को कोई राहत मिल पाई, खासकर अपराध के कानून व्यवस्था के मसले को लेकर देखे तो? तिवारी जी देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आम जनता को परिवर्तन से क्या फायदा हुआ है, बिल्कुल ये एक समीक्षा करना पड़ेगा और इस तरफ जनता को भी सोचना पड़ेगा और शासन में बैठे प्रमुख लोगों को भी सोचना पड़ेगा जी। दली प्रतिबद्धताओं से हटकर भाजपा वाले अपनी दली प्रतिबद्धता के चलते विरोध के लिए विरोध करेंगे, सत्ता पक्ष क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ है, सत्ता उनकी है, हो सकती है नाकामियां हो उसको एक तरह से छिपाने के लिए लेपन चलेगा वो हो जी। वो उससे हटकर क्योंकि प्रदेश हम सबका है जी। हम सबके प्रदेश में हमको अगर अपराधी तेज से यहाँ पर घुसपैठ बनाते गए या अपराध बढ़ते गए तो ऐसी स्थिति में हम सबको चैन सुख से रहना जो छत्तीसगढ़ शांत इलाका माना जाता है, उपजाऊ भूमि माना जाता है और खनिज संपदाओं से भरपूर है और बेहतर विकास हो सकता है जी। वो राज्य में अगर क्या तेजी से अपराध बढ़ते गए तो सर प्रदेश की भी बदनामी होगी। बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं ये किसी तरह के अपराध में शामिल नहीं है उन लोग के बीच भय बनेगा तो इन सबको सोचना पड़ेगा, पुलिस को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, पुलिस को आधुनिक तरीके से नई सोच के साथ तय और पुलिस सक्रियता के साथ चलना पड़ेगा और विपक्ष को भी इस तरह से हवा खड़ा करने से प्रदेश की बदनामी होगी, लोगों के बीच भय बनेगा जी। तो इससे हटकर इन चीज चर्चाओं को सार्थक बहस से जी। पुलिस को आखिर काम पुलिस करेगी जी। ये काम पुलिस को बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है जी। अगर इसमें अगर काम हो इसके लिए अगर कार्य योजना विपक्ष दे सत्ता पक्ष उसको लेते हुए और सभी लोगों के बीच समन्वय कर अगर दीर्घकालीन तरीके से काम करे तो यह राज्य जो है बेहतर विकास की तरफ बढ़ेगा जो संभावनाएं बेहतर है। हम ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में अगर सिमट जाएंगे दलित प्रतिबद्धताओं को लेकर तो इसका फायदा उन अपराधियों को होता है, उन लोगों को जो गलत काम करते हैं उनको बिल्कुल होता बिल्कुल है। तिवारी जी तो आपको रोकना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, चूंकि डिबेट का समय अब फिलहाल खत्म हो रहा है लेकिन तिवारी जी आपने, उपासनी जी आपने और जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला जी आपने जो हमारे लिए समय निकाला इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपराध को लेकर सख्त है, अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हमेशा एक्टिव मोड में रहें। लेकिन ये बात और है कि इसके बाद भी प्रदेश में अपराधों का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि सुशासन के मामले में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए कानून व्यवस्था में और कसावट लाई जाए, नहीं तो विपक्ष इसी तरह से सरकार पर हावी होने की कोशिश करता रहेगा। चलिए